दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 13 to 30 का हाउस बिल्डिंग प्लान। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो प्लान यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो 30 का 30 प्लान है। तो इसमें क्या क्या है 30 का 30 प्लान में, तो मैं दिखाऊंगी। इसमें देखिए जो डायरेक्शन आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है 30 फीट और यहाँ पर 30 फीट, ये जो डायरेक्शन और यहाँ पर जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में 30 फीट बाय 30 फीट का प्लान। तो इसमें क्या क्या है और कैसे इस पर यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा, देखिए पहले वॉल को मैं एक हाईलाइट कर देता हूँ आपके साथ। पहले देखिए रेड कलर से मैं वॉल को हाईलाइट कर दूँगी। देखिए यहाँ पर पहले मैं इसको हाईलाइट कर दिया। ओके, उसके बाद प्लान का डिटेल्स आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते और आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या है इसमें। तो चलिए पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बिल्डिंग प्लान, तो इसमें पहले आपको क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पर एक बेडरूम, बेडरूम जिसका इस डायरेक्शन में मेज़रमेंट बेडरूम का 10 फीट, ओके, और जो इस डायरेक्शन में मेज़रमेंट यहाँ पर 11 फीट 4 इंच, ओके, इस डायरेक्शन में। तो इसके साथ देखिए एक अटैच टॉयलेट यहाँ पर है, तो इसमें डोर, तो टॉयलेट का जो मेज़रमेंट आएगी इस डायरेक्शन में 5 फीट और इस डायरेक्शन में 4 फीट 6 इंच, ओके। तो उसके इसका नाम मैं लिख दूंगी टॉयलेट, और यहाँ पर जो बेडरूम इसका भी यहाँ पर डोर, तो देख लीजिए एक बार यहाँ पर डोर और यहाँ पर, ओके। इसका विंडो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया, एक बेडरूम हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो आपका जो एक डोर आ गए, एक बड़ा सा डोर, तो इसमें मैं ही कहूँगी ओपन किचन, ओपन किचन, ओके। इसका साइज तो इस डायरेक्शन में 13 फीट 4 इंच इधर क्रॉस करके टोटल, और इधर आएगी 8 फीट 0 इंच, ओके। तो इसमें डाइनिंग बचा हुआ जो पोजीशन यहाँ पर आएगी डाइनिंग रूम, ओके। तो हो गया डाइनिंग। उसके बाद क्या है इसमें, यहाँ पर एक पैसेज, जिसका मेजरमेंट 5 फीट, ओके, और यहाँ पर एक आएगी डोर, टॉयलेट जिसका डायरेक्शन तो यहाँ पर 5 फीट आपको तो मिल जाएगी, कॉमन टॉयलेट, और यहाँ पड़ेगी 6 फीट 5 इंच, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं 6 फीट 5 इंच, ओके, हो गई। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो प्लेस यहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पर 6 फीट 5 इंच का एक, 6 फीट 5 इंच का एक स्पेस, और यहाँ पर आपको मिलेगी 6 फीट 7 इंच का। तो सीढ़ी जो है, सीढ़िया जो है यहाँ से आप होगी, ओके, ये हो गई। तो उसके बाद यहाँ पर जो आप बड़ा सा एक ओपन स्पेस देख रहे हैं आपको, यहाँ पर एक बेडरूम, इसका साइज इस डायरेक्शन में आपको मिलेगी 11 फीट और इस डायरेक्शन में 12 फीट, ओके, इस डायरेक्शन में 12 फीट।
तो एक मिल गया आपको। तो उसके बाद यहाँ पर भी एक बेडरूम, इसका साइज इस डायरेक्शन में 10 फीट 10 इंच, ओके। और इस डायरेक्शन में आपको देखिए यहाँ पर भी 12 फीट हो गई। तो इस यहाँ पर भी एक डोर। तो यहाँ पर जो स्पेस है, यहाँ पर 8 फीट 4 इंच, और इधर से इसका मेजरमेंट 13 फीट 4 इंच। ड्राइंग रूम, तो आपको एक क्वेश्चन आएगी मन में, घर में घुसने का जगह कहाँ पर है। देखिए एक्चुअली जो घर का जो फ्रंट, मेन फ्रंट इधर है, ठीक है। इधर से आप मेन गेट इधर से स्टार्ट होगी। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस साउथ फेस में, साउथ साइड में। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। और कलम जो पोजीशन आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों।